आज श्रोमणी अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी के सांझे उम्मीदवार राजकुमार गुप्ता ने गांव फिरोजपुर कलां की दाना मंडी का दौरा किया, जिसमें रविंदर सिंह बॉबी की अध्यक्षता में किसानों की समस्या सुनी और उन्हें पहल के आधार पर दूर करने का भरोसा दिलाया। अपने इलाके की मंडी फिरोजपुर कलां के बीच आए, एक दिन मैं पहले भी आया पर आज आन उपरांत मेरे बहुत ही सत्कार जो मेरे किसान भरा मेरे इलाके के, चाहे रविंदर सिंह बोबी जी ने, चाहे बाकी सारा समूहिक किसान भरावान में मिले, पर जो इन्होंने मैनू गलां दसियां बहुत ही मन भाई। पिछले 70 साल तो कई सरकार आईया, कई सरकार पर मेरे जिम्मेदारा भरावान की अज तक किसी ने समस्या नहीं सुनी, पर इको इको सरदार प्रकाश सिंह जी बादल जदों भी पंजाब की बागडोर संभाली उन्होंने, उन्होंने ही किसानों की गल्लां सुनिया, क्योंकि वो आप ही किसानी के नाल संबंधित हैं, चाहे इस फिरोजपुर मंडी का निर्माण कराना वो भी सरदार प्रकाश सिंह बादल जी ने कराया, चाहे अनेक काम पंजाब दे विच कीते ना सरकार सरदार प्रकाश सिंह बादल जी ने किए, चाहे हुण भी किसान भरावान लड़ाई करके सेंटर दे विचों वजीरी छड़ गई, वो छोटी गल अज किसान भरावान ने मैनू अपन समस्या दसिया कि कई कई दिन जी इन्हों की फसल है मंडिया में रुलती रहती है, ये सवेरे आते हैं तो अद्धी रात को वापस घर चलते हैं, फिर भी इन्हों की जी फसल है मंडिया के बिच ही पी रही है, इन्हों की कोई भी एजेंसी है जो नहीं चुकती, अगर चुकते ना तो नवी का बहाना ला लीजिए, जिदा बोबी जी ने मैंने हूँ भी दसिया कि जे कि 100 क्विंटल रस्त बनती है तो उन्होंने 85 क्विंटल के पैसे दिते होंगे ना, बाद च कोई नमी का बहाना कोई किस तरह का बहाना ला देना, ये बहुत ही माड़ी गल। अज अही समूह किसान जिहड़ियां फिरोजपुर कलां मंडी च जिहड़ी अपनी फसल लैके आए हैं, अज अचानक ही अपने गुप्ता साहब प्रधान जी साढ़े राजकुमार जी इन्होंने विजिट किया या मंडियों में किसानों का हाल चाल पुछण लई किया, इन्होंने सानू समस्या बारे पुछया कि तुहानू की समस्या आती पई है, अज अं इन्हों अपनी समस्या बारे दसिया भी सानू मेन समस्या आती पी है कि साडा पठानकोट जिला जिहड़ा है ये नीम पहाड़ी एरिया है, तो इतने जी है ठंड जल्दी आती है तो जी ओस बहुत ज़्यादा पैंती है, तरी जिन्हों पंजाबी तरेल कहने बहुत ज़्यादा पैंती है, जिदी वजह नाल साडे झोने की फसल के नमी की मात्रा ज़्यादा होंदी है, सानू मंडियां दे विच उन्हूं खरीद दे विच बहुत ज़्यादा वड्डी जी समस्या का मतलब आती है साडी आती है, इसलिए असी मतलब जदों मंडी जाने साडा मॉइचर कर देंगे, आप कहने भी जे मॉइचर आंदा हैगा तो सानू रिटर्न च लेके दे दिओ, साडी अनसोल्ड कर दिओ ढेरी, साडे जिहड़े खरीद एजेंसी के इंस्पैक्टर आ वह नहीं करते, ना ही मार्केट कमेटी के जिहड़े इंस्पैक्टर या जो भी मतलब एजेंसियां के अधिकारी ने साडी समस्या का हल नहीं करते। असी प्रधान जी अगे यो मंग रखी है भी कल जो उन्हों की सरकार पंजाब दे विच आंदी है, चलो रब करे चलो उनकी सरकार बहुमत दे विच आवे तो साडी समस्या का हल करे। मैं एक किसान हाँ, मैं सिर्फ इन्ना कहना चाहता साडा इलाका जिहड़ा एक ठंडा इलाका है, ये पहाड़ी इलाके जुड़िया हुआ तो नाल झोना साडा जिहड़ा भी जिल्ले पक्कन का टाइम आता तो उस टाइम नरमी बहुत होंदी है और साडी फसल का झाड़ भी जिहड़ा घट पैंदा, उहदा कारण यह है कि जिहड़ा दाणा पूरा पकदा नहीं है, वो दाने का जिहड़ा पत्तल की तरह तो एक मोचर की तरह पैदा होंदा, क्योंकि मोचर साडा तां ज़्यादा बढ़ता कि जिहड़ा दाणा पकदा नहीं वो दोधा रहिंदा, जलों मशीन के कटता दुध निकलता तो मोचर आ जाता, इसके कारण जो मंडी के आ गए खज्जल खराबी होती है वो हाड़ी खज्जल खराबी भी नहीं होएगी और आड़ती भी खुश होएगा तो अस भी ठीक रहेंगे, ये कारण मैं यही कहता हाँ कि साढ़े अपने प्रधान जी राजकुमार इन्हों की सरकार आए तो अं बहुत खुश हैं, क्योंकि यही जिमीदारा के हक च सोचते हैं। जिला पठानकोट का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल व कॉलेज 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध, डेडिकेटेड कोरोना वार्ड, एक्सपीरियंस्ड स्टाफ, व्हाइट मेडिकल कॉलेज भुंगल नियर डीएलएम रिसोर्ट पठानकोट। फास्टवे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्टवे न्यूज पठानकोट के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फास्टवे न्यूज पठानकोट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।